अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, सब्सक्राइब कीजिए शाही रेसिपी को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको ही आएगी। आज हम बनाएंगे तरबूज का जूस, वो यानी कि वाटरमेलन का जूस। तो आइए कैसे बनाते हैं चेक करते हैं। तो अब हम तरबूज का जूस बनाना शुरू करेंगे, तो चलिए कैसे बनाते हैं चेक करते हैं। हमें ज़रूरत होगी जूसर की और तरबूज की बोल की और एक पैट, फिर एक नाइफ, एक स्पून, स्कोप और ये छोटा सा नल। ये सिर्फ 10 रुपीस में मिल जाता है मार्केट में, प्लास्टिक का, आप री यूज़ कर सकते हैं। और हम छानने के लिए ले लेंगे एक छन्नी। हम एक नाइफ ले लेंगे, फिर ये उठाएंगे, इसका जो टॉप है उस पर से हम 1 या 2 इंच छोड़कर इसे कट करेंगे। कट करने के बाद हमने जो स्कोप लिया था उस स्कोप से हम इसे इस तरीके से निकाल लेंगे बोल में। और इसका पानी भी हम इसमें डालते जाएंगे। हम जब तक एक व्हाइट भाग ना दिखाई दे तब तक आप निकालते हैं। हमने सारा साफ कर लिया। साफ करने के बाद हम इसका पानी इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं ये पूरा क्लीन हो चुका है। उसके बाद हम इसके ऊपर का भी निकाल देंगे। और अब हम नल लेंगे, यानी कि टैप लेकर इसे हम इसे प्रेस करेंगे। हम इस तरीके से नल लेकर हल्का सा यूं करने से निशान आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद हम इसे इसके साइड्स कट करेंगे राउंड, उसके बाद इसे अंदर प्रेस करेंगे। इस तरीके से आप निकाल लीजिए। निकालने के बाद
आप इसमें इस तरीके से फिट कर लीजिए। इसके बाद हम इसका ये ऊपर का बंद कर देंगे। इसे बाजू में रख देंगे। अब हम ये ग्राइंडर में जूसर में डालेंगे। चलो इसे पीस लेंगे। अब हम जग ले लेंगे। और जूस को इसमें खाली कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारा ऐसे ही पीस लेंगे। अब हम इसमें रूअफ़ज़ा डालेंगे। आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं, ये ऑप्शनल है। मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा। हलाने के बाद हम इसका कैप हटाएंगे और इसमें ट्रांसफर कर देंगे। अब हम एक ग्लास लेंगे और इसमें टैप को ओपन कर लेंगे। अगर ये तरबूज वाला जूस आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये जूस आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए। शेयर करना ना भूले। बाय।